जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। एंड साथ के साथ राधा रानी की जय एंड वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आप समझ ही गए होंगे जयकारे से, और मैं रोड पर भी खड़ा हूँ तो उससे थोड़ी सी हिंट तो आपको मिल ही रही होगी कि आज कहाँ के लिए मैं जा रहा हूँ। दरअसल मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ में कन्नू दादा भी है। कन्नू दादा, यस, ये मेरा छोटा भाई कन्नू, हम प्यार से कन्नू बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है आशीष दीक्षित। कन्नू और मैं आज हम दोनों जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन के लिए। आप सबको पता है कि ये होली वीक है, और होली वीक में सबसे ज़्यादा जो आनंद आते हैं, सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है, अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा आनंद आता है तो वो ब्रज की होली में आता है, ब्रज में आता है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम श्रीधाम वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, और अगर समय बचता है तो वहाँ से हम नंदगांव और बरसाना, ये दोनों जगह भी जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले दरअसल हम हमारे गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं, श्री आनंद धाम आश्रम वृंदावन में है। गुरुजी आप देख ही चुके हैं पहले वीडियो में, परम पूज्य भैया जी महाराज, उनके आश्रम पर पहले हम पहुँच रहे हैं। तो पहले गुरुजी के साथ में वृंदावन की परिक्रमा रहेगी, उसके बाद 10 बजे से गुरुजी के यहाँ पर होली मिलन समारोह है, तो हम उसका भी पार्ट बनेंगे। बड़े भैया भाभी, मेरे भतीजे भतीजी, वो सब लोग अलग गाड़ी से आ रहे हैं और हम अलग से जा रहे हैं। तो गुरुजी के आश्रम पर पहुँच करके गाइस आपसे मिलते हैं, उसके बाद आप भी पार्ट बनिएगा। पहले वृंदावन की जो परिक्रमा रहेगी उसके कुछ मैं आपको बाइट्स दिखाऊँगा, दृश्य दिखाऊँगा जगह जगह के, और हो सकी तो गुरुजी से भी मुलाकात कराऊंगा। वैसे भीड़ बहुत रहेगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी मुलाकात करा सकूं। दर्शन तो आप सब लोग कर ही पाएंगे। उसके बाद होली मिलन समारोह होगा, और होली मिलन समारोह आप जानते ही हैं ब्रज में किस तरह से होता है। उसके बाद टाइम मिलता है तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ और जगहों पर भी जाएंगे। इस सब के लिए क्या करना है आपको, हमारे साथ बस बने रहना है, और एक प्रमोशनल ब्रेक तो बनता है आशीष भाई, वो प्रमोशन आप करेंगे आज। सभी मेरे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं श्रीराम वृंदावन पहुंच करके। जय श्री राधे। के लिए राधे राधे दोस्तों। दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं आनंद धाम आश्रम के बाहर, यही वो जगह है जहाँ से कि हम अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं, मैं और आशीष। बड़े भैया भाभी वो लोग थोड़ा सा आगे चले गए हैं, एक्चुअली जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि वो दूसरी गाड़ी से हैं, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कब आए हमें पता नहीं चल पाया, कॉल नहीं लगा, इसीलिए वो परिक्रमा में आ गए हैं और हमें अभी आनंद धाम आश्रम में, और हम दोनों अपनी परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। और अभी परिक्रमा के बाद में हम लोग परिक्रमा मार्ग में ही, माफ़ी चाहता हूँ, बिहारी जी का मंदिर पड़ता है, बांके बिहारी का, तो बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे अपने आनंद धाम आश्रम पर, और होली मिलन समारोह जो होगा उसका हिस्सा बनेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए।
राधे 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 राधे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिक्रमा मार्ग में एक मंदिर पड़ता है। एक्चुअली मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है, मुझे अभी कन्नू दादा ने बताया है। ये जो हमारे पीछे मंदिर है, मैं आपको रियर कैमरे से भी दिखाऊंगा, और यहाँ से बहुत ऊंचाई पर ये मंदिर है। यहाँ से ये नज़ारा आप देखिए, पूरा वृंदावन एक तरह से देखने को मिलता है। ये है राधा मोहन जी का मंदिर। जब आप परिक्रमा मार्ग में होते हैं तो बिहारी जी पहुंचने से पहले, बांके बिहारी का मंदिर है वो जस्ट इसके पीछे ही है गली में, वहां पहुंचने से पहले ये राधा मोहन जी का मंदिर पड़ता है। और हम अभी उसी जगह पर हैं। यहां से आप एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये रास्ता पीछे जो आपको दिख रहा है रास्ता, ये परिक्रमा चल रही है। और यहां से आप पूरा जो नज़ारा देखते हैं तो बहुत ही अद्भुत है, शायद आप इसे महसूस भी कर पा रहे होंगे। ये इतनी ऊँचाई पर आकर के है कि सीरियसली यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैं आपको एक बार रियर कैमरे से भी सारा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये दोस्तों तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये रियर कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये हमें श्रीधाम वृंदावन नज़र आ रहा है पूरा। आप यहां से इस मंदिर पर आने के बाद में एक ही जगह से श्रीधाम वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। और अब मैं आपको वो मंदिर दिखाता हूं जिस मंदिर पर हम हैं, राधा मोहन जी का मंदिर। ये ही वो मंदिर है राधा मोहन जी का, जिस जगह पर अभी हम खड़े हुए हैं, और बहुत ऊंचाई पर है। इसके पीछे ही गली में बांके बिहारी जी का मंदिर है। तो इसके बाद हम पहुँचेंगे बांके बिहारी जी के मंदिर पर, और वहाँ जा कर के आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। अब हम हैं बांके बिहारी लाल वाली गली में, हम वृंदावन बांके बिहारी लाल के पास जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और आप ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आज भी भीड़ बहुत है। Thank you.
राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, अब हम बांके बिहारी के दर्शन करके आगे फिर से चल दिए हैं अपनी परिक्रमा में। और आप लोगों ने भी देखा अभी वीडियो में कि कितने प्यारे दर्शन हुए। बहुत भीड़ थी, फिर भी हम दर्शन कर पाए। और ये तभी संभव होता है जब आपके ऊपर बांके बिहारी की कृपा हो और बांके बिहारी ने आपको खुद बुलाया हो। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हम प्यार से दर्शन कर पाए अच्छे से बांके बिहारी के। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बांके बिहारी मंदिर में अंदर कोई भी किसी भी तरह की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वो अलाउड नहीं है। लेकिन आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी तो उसी भीड़ का हमने भी फ़ायदा उठाया। और आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बांके बिहारी के दर्शन करा पाया। खुद तो मैंने दर्शन किए ही, इतने प्यारे दर्शन हुए, बहुत प्यारे, और बहुत आनंद आ रहा है। और साथ ही साथ घर बैठे आप लोगों को भी दर्शन कराए, ये मेरा सौभाग्य है। और हम सबका सौभाग्य है, मेरा ही नहीं, कन्नू दादा का और आप सब लोगों का, कि आज इतने पावन दिन हम वृंदावन बांके बिहारी के पास आए और उनके दर्शन कर पाए। अब हम अपनी परिक्रमा में आगे चल रहे हैं। आगे जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव है वो हमारे गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी का आश्रम है, आनंद धाम आश्रम हम पहुंचने वाले हैं। और फिर वहां पर होगा होली मिलन समारोह, तो होली मिलन समारोह भी ज़रूर देखिएगा गुरुवर के साथ में। वहाँ गुरुवर होंगे हमारे और होली होगी। चलिए तो मिलते हैं आनंद धाम आश्रम पहुँच करके। राधे राधे कन्नू दादा, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब हम पहुँच चुके हैं वापस अपने आनंद धाम आश्रम पर। और ये पीछे ये भगवान शेष नारायण का आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा। भगवान शेष नारायण के आशीर्वाद से गुरुजी ने ही इसका निर्माण कराया था। तो यहाँ आकर के हमारी परिक्रमा जो है वो सम्पूर्ण होती है। हमें इतना सौभाग्य तो नहीं मिला कि हम गुरुजी के साथ परिक्रमा का हिस्सा बन पाए। वो क्यों? क्योंकि हम जब रास्ते में आ रहे थे तो थोड़ा 15 से 20 मिनट हम लेट हो गए थे और गुरुजी परिक्रमा के लिए निकल गए थे, इसीलिए परिक्रमा हमने अकेले ही लगाई है। लेकिन अब हम परिक्रमा संपूर्ण करके पहुँच चुके हैं आश्रम पर। और अभी मैं आपको दिखाऊँगा होली मिलन समारोह, जो मैं आपको परिक्रमा मार्ग में भी बता रहा था। होली बस स्टार्ट होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और गाइज, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको नाच कूद पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आगे होली के साथ में। राधे राधे, राधे राधे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, दुख में मेरे काम आते हैं, मेरे राम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, तो झड़ झड़ गिरे अंगार। और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो इसी भाव के साथ
एक बहुत ही प्यारी ब्रज की होली। अरे ऐसी होली तो राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। तो आप देख पा रहे होंगे रास्ता दोस्तों के, अब मैं हूँ रास्ते में। आपने होली मिलन समारोह देख लिया है। अब एक्चुअली मैं निकल चुका हूँ बरसाने के लिए। अब हम बरसाने निकल रहे हैं, तो ये रास्ते में खड़े हुए हैं हम बिल्कुल बरसाने कट पर। यहाँ से बरसाने पहुँचने में लगभग अभी मुझे आधा घंटा और लगेगा। आपको तो वैसे टाइम नहीं लगेगा, आप
एक मिनट के अंदर अंदर बरसाने पहुंच जाओगे, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ। तो अभी यहाँ से हमें लगभग 30 से 35 मिनट लगेंगी बरसाने पहुँचने में, उसके बाद बरसाने पहुँचेंगे। और जिस तरह से आपको होली मिलन समारोह, होली हमने आनंद हम वृंदावन की दिखाई, उसी तरह से कोशिश करेंगे कि हमको बरसाने की भी होली दिखा सके। तो गाइस दोस्तों में तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं बरसाने में पहुँच करके और होली का लुत्फ उठाते हैं। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे मेरे पीछे का नज़ारा, इससे ही बहुत सारे लोग समझ भी चुके होंगे कि अब हम पहुंच चुके हैं अपनी किशोरी जी के दरबार में, राधा रानी के दरबार में बरसाने। और आते आते वैसे मैं सच बताऊं तो बहुत थकान हो चुकी है, हम पूरी तरह से परेशान हैं। एक्चुअली सुबह 5 बजे निकलना हुआ और सुबह 5 बजे के बाद में अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं, सीढ़ियाँ भी बहुत चढ़नी पड़ती हैं, तो बहुत इसमें कम्प्लीटली एनर्जी इज़ लॉस्ट। 5 बजे से निकल के अभी 3:10 हुआ है और हमने यहाँ पता किया है, तो यहाँ जो लोकल हैं वो बता रहे हैं कि 4:30 पर पट खुलेंगे, हम दर्शन कर पाएंगे। तब तक 1.5 घंटे हमें यहाँ रेस्ट करना है। और जो यहाँ होली चल रही है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसके बाद दर्शन करते हैं, फिर दोबारा से अगर मौका मिला तो होली दोबारा से दिखाएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपने आनंद धाम आश्रम की तो होली देखी ही थी, अभी आप बरसाने में होली कैसी होती है वो भी देख पाएंगे। तो व्हाट यू आर टू डू, यू आर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू हैवंट लाइक्ड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।